के हाथों में ई बस्ता देने की तैयारी में है, और जबकि वो लैपटॉप मिलने के बाद जमीन के सीमांकन, खसरा, खतौनी, मैपिंग के कामकाज आसानी से कर सकेंगे। इसकी शुरुआत राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर से की। प्रदेश के पटवारियों के हाथों में अब तक सीमांकन और मैपिंग के साथ ही दूसरे कामों के लिए बस्ता दिया जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार में यह अब गुजरे जमाने की बात हो चली है। अब पटवारियों के हाथों में ई बस्ता होगा। जी हाँ, कमलनाथ सरकार पटवारियों के काम करने के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, और पटवारियों को सरकार हाईटेक बनाने के लिए लैपटॉप दे रही है। राजस्व विभाग में अब पटवारी बस्ते के जरिए नहीं बल्कि लैपटॉप से कामकाज करेंगे। ई बस्ता योजना के तहत प्रदेश भर के पटवारी लैपटॉप से लैस होंगे, और पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सागर जिले से शुरुआत की जा रही है। एक महीने तक पटवारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद 60 दिनों तक प्रोजेक्ट का परीक्षण होगा कि प्रदेश भर में किस तरह से पटवारियों से ई बस्ता योजना से काम कराना है।